किसी लेफ्ट साइड की तरफ बेंड हो रही है, झुकती जा रही है। स्वामी बाम है जो इन्होंने नया ब्रांड लॉन्च किया है, आप इसको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। किस नाम से? स्वामी बाम के नाम। स्वामी बाम के नाम से। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, मेरे साथ मिस्टर सुमित वाधवा जी हैं। सुमित मेरे मित्र भी हैं, और सबसे पहले सुमित मेरे पास 4-5 साल पहले आए थे, राइट? आप ही आए थे सबसे पहले? हाँ जी, है ना। सुमित आया था, सुमित के बाद सुमित अपने पूरी फैमिली को मेरे पास लेके आया। आज 4-5 साल हो गए हैं, हमारा एक दूसरे के साथ एसोसिएशन है। सुमित जब भी 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाता है उसके बाद फिर आता है ना। तो सुमित बहुत ज्यादा इसको दिक्कत नहीं रहती, इसको थोड़ा बहुत फटीक और टाइटनेस रहता है। और सुमित बहुत वंडरफुल है। सुमित अपना एक नया प्रोडक्ट लेके आया, मैं इसका हमेशा फैन रहा हूँ। स्वामी बाम है जो इन्होंने नया ब्रांड लॉन्च किया है, आप इसको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। किस नाम से? स्वामी बाम के। स्वामी बाम के नाम से। स्वामी_बाम। और मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही लगा रहा हूँ, यही यूज कर रहा हूँ, और एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। तो मैंने बहुत सारे पैकेट्स अपने पास रख लिए हैं, आप में से भी किसी को चाहिए तो आप हमारे पास फोन करके, यानी आपको आना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ 40 रुपए की है, सबसे बढ़िया चीज ये है ना। ये 100-200 रुपए की नहीं, सिर्फ 40 रुपए की है। तो यू गाइज कैन ऑलवेज कम हेयर एंड यू नो बाय इट फ्रॉम अस। हमारे पास कितने पैकेट, कितने शीशी है इसकी? आपके पास अभी 300 है। 300 है जी। तो ये छोटी सी सुमित के बारे में थी। और सुमित अभी क्या दिक्कत है? अभी मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल किया था, आई ट्रेवल्ड अराउंड 2800 किलोमीटर इन वन वीक। तो मैं एकदम से ही, मेरा ना बॉडी स्टिफ हो गई थी और मेरा लेफ्ट शोल्डर ऊपर हो गया था और राइट नीचे, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो गया था और लोअर बैक में पेन था। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आया तो मतलब सेकेंड डे से ही मेरे को बहुत आराम मिल गया था, 80% आई वॉज फाइन लाइक दिस। तो वो आराम इसलिए भी था क्योंकि ये थका हुआ था, इसकी बैक ही नहीं थकी हुई थी। सुमित खुद अपने आप में बहुत एग्जॉस्टेड वाली स्टेज में था। अगर ये अपने घर पे 2-3 दिन वैसे भी आराम करता तो भी काफी कुछ रिकवर हो जाता। हाँ, लेकिन उसकी वजह से जो टाइटनेस थी इसके 9 मसल्स में, वो सब हमने खोली। आज आपका 4th सेशन है आई थिंक, है ना? हाँ जी, हाँ जी, 4th सेशन है। तो इस वीडियो में हम आपकी सुमित की एडजस्टमेंट दिखाते हैं और देखते हैं कि कितना हम खोल पाते हैं। आइए सुमित ले लेंगे। आप देख सकते हैं, हमने यहाँ से देखा ना, तो थोड़ा सा अभी भी जो डिफरेंस है, जो मैं सुमित को भी दिखाऊंगा बाद में वीडियो में, कि ये स्पाइन देखेंगे हल्की सी लेफ्ट साइड की तरफ बेंड हो रही है, झुकती जा रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये जो राइट जो SI जॉइंट है इसी पे सबसे ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। अब ये वेट नहीं ले पा रहा, थक गया है, तो ये लेफ्ट की तरफ वेट सारा डाल रहा है, उसी वजह से ये लेफ्ट पे ही सारा वेट टांग पे भी आ रहा होगा। और ये सारा एरिया बैक तो आपको टाइट होगी, ये सारा एरिया भी ब्रीद आउट करेंगे, सुमित छोड़ेंगे, छोड़ेंगे ब्रीद आउट। हाँ, इतना प्रेशर ये ले नहीं पा रहे, उसका रीजन ये सकता है कि ये कहीं ना कहीं स्पाइन इस एरिया में अभी भी कॉम्प्रोमाइज कर रही है। टर्न करेंगे सुमित, नहीं तो यूज भी करो उसको, एक पैर है जो उसमें डाली हुई है। अच्छा, एक बार तो सर कॉल करेंगे कुछ। सुमित के पास इंसोल है, सुमित को मैं कहूंगा इंसोल पहने, और आप नेक्स्ट टाइम आ रहे हो तो ले आना, मैं उसकी शेप बदल दूंगा। क्या हो सकता है क्योंकि एक तरफ वेट जिस पे आप टांग डाल रहे हैं उस पर कम डाल रहे हैं, वो पहले की शेप है,
जो आप उसको दोबारा रीशेप करेंगे तो वो और ज्यादा बैलेंस आउट कर राइट सकते हैं राइट कि वो लेफ्ट से वेट राइट की तरफ शिफ्ट करना शुरू करेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस. कोई भी सवाल हो आपको बैच से रिलेटेड नेक्स्ट से रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में.